ये क्या बन रहा है जी? मटका फ्राई। मटका फ्राई ये मतलब फ्रेंच फ्राइज है मटके के अंदर? लोडेड मटका फ्राइज है जी। अच्छा, लोडेड फ्राइज तो आपने बड़ी जगह से खाई है, ये उसका बाप है। तो माँ भी है इसके आपके पास है? सिर्फ बाबा भी है? सिर्फ बाप ही है। अच्छा, तो ये कितने का मटका फ्राइज? 450 एंड 700। इसमें क्वान्टिटी कितनी है जी? क्वान्टिटी कितनी है इसमें? क्वान्टिटी ये है, मीडियम 2% खा लेते हैं। अच्छा, और लाल 3, अगर दुनिया वाला को तो एक भी कम है लाल। वेरी गुड। और ये तो मटका फ्राई होगा, और इसके साथ क्या है? जो ये मीडियम मटका है, ये बच्चे हैं मटके के, ये बस लगा लेंगे, हाथ इजीली चला जाता है। तो ये जो आप ये इसको बता रहे हैं, ये वेल्डिंग प्लांट की जो बत्ती के साथ, ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है? इसमें हमने रेगुलेटर लगाए हुए हैं। अच्छा, कंट्रोल करने के लिए। इसकी स्मेल भी नहीं जाएगी अंदर? स्मेल तो नहीं जाएगी, पॉइजन तो जाएगी इसकी? कोई चीज नहीं जाएगी। अच्छा, मतलब फूड डिपार्टमेंट वालों ने ओके कर दिया आपको? वेरी गुड। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई नया काम गुजरांवाला में होना चाहिए, ग्राहकों की कमी नहीं है गुजरांवाला में। ये मटका फ्राई फ्रेंच फ्राइज तैयार हो रही है जी। ये भी मॉडल टाउन के एक पार्क जो है मेन पार्क, उसके कॉर्नर के ऊपर ये नई चीज गुजरांवाला में आई। हम आपको शंघाई चाइना फूड कॉर्नर के ऊपर लेके जाएंगे और उनके मजे मजे खानों से आपको मुतारफ करवाएंगे। तो फिर आइए जनाब जी, इस वक्त हम शंघाई चाइना फूड कॉर्नर पे उसके किचन में खड़े हैं। जरा आपको किचन दिखाते हैं। माशाल्लाह, खाने जबरदस्त तरीके से पक रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं शंघाई चाइना फूड कॉर्नर के ओनर अली, तो साथ साथ वो खाना तैयार करते हैं और साथ साथ उनसे कुछ बातें करते हैं जी। अली भाई, कितनी देर हो गई? वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर हो गई आपको ये काम शुरू किए हुए? ये करते हुए हमारा हो गया 3 साल। 3 साल। तो पहले तो आपने पार्क के कॉर्नर से शुरू किया था जी? वो ट्रांसफार्मर के साथ कोने से शुरू किया। हाँ हाँ। और ये फिर ये माशाल्लाह होटल की स्थिति बनाई हुई है? बस ये बनाई है, बाकी गुजरांवाला के स्पोर्ट है सारे जो इन सामान के। हमारे खाने बहुत अच्छे हैं, चाइनीज का जितना भी है चाइनीज का आइटम है वो सारे हमारे पास है। तो माशाल्लाह से दूसरों से ज़्यादा डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट पे, तो इस वजह से जो है ना लोग पसंद भी करते हैं और हमारे क्वालिटी और क्वान्टिटी सारे एवल हैं, तो इस वजह से लोगों जो है ना बहुत पसंद करते हैं। इस वजह से बाकी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहे हैं। अच्छा अली, हमें ये बताएं कि आप कौन कौन सी डिशेज जो है वो तैयार करते हैं? हमारे पास काफ़ी डिशें हैं और कम से कम 15-20 डिशें हैं। अच्छा, स्पेशल कौन कौन स्पेशलिटी की किस चीज़ में आपकी जो आगे लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं? स्पेशल हमारे हैं सर फ्राई चिकन है और सिचुआन चिकन है। अच्छा जी, बाकी ग्रीन चिली है और जो मार्केट में आम जो रूटीन से चलने वाले हट के हमारे थाई स्टाइल में, चाइनीज स्टाइल में, हर किस्म के स्टाइल में होता है। कोई लेजी होता है, कोई ग्रेवी होता है, कोई क्रीमी होता है, पास्ता भी, बाकी चीज़ें सारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। वाकई आपका टेस्ट तो लाजवाब है, सिटी में इतना अच्छा जायका जो है वो चाइनीज फूड का शायद किसी जगह पे ना ही मिलता है जितना अच्छा खाना इधर आप हाँ मिलता है। अच्छा, एक और बात मैंने देखा है अली कि ये जो आपके खाने हैं उनके रेट बड़े जो है ना वो इकोनॉमिकल है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आप सही सोचा है। ये हमारे क्योंकि ये मैंने खुद सीखा हुआ चीज है। अच्छा, जो दूसरे रखते हैं तो फिर वो कुकिंग रखते हैं, बाकी चीजें करते हैं, हमें पता होता है कौन सा खाने में कितना चीजें डालते हैं, कितना जाया करते हैं, कितना उसके अंदर होते हैं। इस हिसाब से हमने मुनासिब रेट रखा हुआ है, हर चीज जो है ना उसका अपना कॉस्ट निकाल के हमने बस मुनासिब रेट रखा हुआ है। तो इस वक्त कितने माशाल्लाह मुलाजिम काम करते हैं आपके साथ? जी अल्लाह का शुक्र है 15 है लड़के।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अली बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक कौन से इलाके से है? हमारा माशाल्लाह से पसंदीदा इलाका स्कर्दू से है। स्कर्दू, स्कर्दू के कौन से गांव से या खास स्कर्दू से? स्कर्दू नहीं, खपलू से, खपलू आगे गांचे से है। अच्छा 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 अच्छा, खपलू के साथ। हाँ खपलू है, खपलू से आगे है गांचे का। अच्छा नाजरीन ये देखिए, अगर कोई बंदा शुमाली इलाके जहाँ से उठ के आए और ये जो ठंडे इलाके हैं उधर से आ गए, तो गर्मियों में मेहनत करना चाहे, मेहनत करनी शुरू करे, तो अल्लाह ताला की ज़ात उस पर नवाजते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और खाने का काम अगर कोई बंदा गुजरा वाले में शुरू करे और खाने का टेस्ट अच्छा हो, रेट अच्छा हो, तो फिर उसका काम चलना जो है वो लाजमी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, खाना खाना अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, क्वान्टिटी होना चाहिए, तो थोड़ा मेहनत भी होना चाहिए, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होती। जी बिल्कुल सही। अच्छा अली ये आप ये क्या तैयार कर रहे हैं, मंचूरियन है? मंचूरियन है। अच्छा ये डायनामाइट चिकन है, ये डायनामाइट चिकन है। ये क्या खाने के बाद बंदा धमाके करता है या चिकन धमाके करता है? ये बस खा के कुछ। अच्छा ये मैरिनेट कर रहे हैं जी अली साहब डायनामाइट चिकन के नाम से। ये फिंगर्स हैं असल में चिकन की? चिकन फिंगर। ये शंघाई चाइना फूड कॉर्नर के दूसरे शेफ जो हैं वो काम कर रहे हैं, इनका नाम गुलजार अली है। आइए इनसे भी कुछ बातें करते हैं। ये ज़बरदस्त तरीके से चावलों को पलटे दे रहे हैं, माशाल्लाह वाह। और देखने से ये भूख लग रही है यार, इतना ये जायकेदार खाना होगा। अच्छा गुलजार अली, ये जो आप तैयार कर रही हैं ये क्या चावल है? हाँ जी जी, एक फ्राइड राइस है। फ्राइड राइस है, तो ये फ्राइड राइस अलग से सब्जी में जाते हैं या किसी चिकन के साथ जाते हैं? अलग से जाते हैं, ज्यादातर ये ग्रेविंग के साथ जाते हैं, मंचूरियन हो गया, काश्मीर हो गया, चेस्टर हो गया, इसके साथ ही जाते हैं। तो आपको कितनी देर हो गई ये काम करते हुए? हमें इससे बहुत अच्छा हो गया हमारा, लेकिन ये जो रेगुलर है गुजरात वाले में हमारा 1 साल हो गया। अच्छा अभी कराची में, फैसलाबाद में, अच्छा लाहौर में, इस तरह जो हमारा 8-10 साल हो गया इस फील्ड में घुस बच सकती। इस वक्त हम शंघाई चाइना फूड कॉर्नर के जो कैश काउंटर है उसके ऊपर हमारे साथ भाई बैठे हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि कैश काउंटर के ऊपर किस किस चीज़ की सहूलत है। फूड पांडा की सहूलत तो मशीन पड़ी है उससे लगता है कि है जी जी। फूड पांडा के अलावा आप किस तरह ऑर्डर डिलीवर करते हैं, लोगों किस तरह आपको ऑर्डर जो है लिखवा सकते हैं? सर फूड पांडा के अलावा जो है ना हमारा अपना डिलीवरी भी रखा हुआ है सर, हमारा अपना बंदा भी डिलीवरी कर सकते हैं, तो बाकी फ़ोन पर ऑर्डर बुकिंग भी कर सकते हैं, जो फ़ोन करके जो है ना वो ऑर्डर पहले दे के रखते हैं तो हम पैकिंग करके रखते हैं, वो खुद आके पिकअप भी उठा लेते हैं सर से। बाकी फूड पांडा का हमारा सहूलत भी है, बाकी अपना राइडर भी है। और कस्टमर के लिए कैश जो पेमेंट का कौन कौन सा ऑप्शन है आपके पास? एक तो ये नज़र आ रहा है कि आपके पास जैज कैश से पेमेंट की जा सकती है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन? कोई हमारा इजी पैसा और जैज कैश का ऑप्शन है सर, इसके अलावा अभी फिलहाल दूसरा। हाँ जी, जैज कैश और इजी पैसा दोनों है। तो नाजरीन ऐसा है कि जब आप इधर खाना खाने के लिए हैं, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं भी हैं, प्लास्टिक मनी है आपके पास, तो आप इधर जैज कैश के ऊपर भी अपने पैसे जो है वो कटवा सकते हैं, बिल जो है पे कर सकते हैं आप जो है ना जैज कैश के ऊपर भी। और दूसरा ये है कि फूड पांडा की सहूलत भी है इनके पास, अगर आप फूड पांडा को ऑर्डर देते हैं शंघाई चाइना फूड कॉर्नर मॉडल टाउन यहाँ से खाना लेने के लिए, तो फूड पांडा वाले भी आपको ये सहूलत जो है वो देते हैं और बखूबी जो है वो आपको खाना डिलीवर करते हैं।